नमस्कार एंड स्वागत है मित्रों आप सभी का एक बार फिर आप ही के अपने परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। जैसा कि हमारे यहाँ मित्रों आप संस्कृत भाषा की क्लासेस जो चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे ये संस्कृत भाषा के द्वितीय अध्याय का जो कि संधि प्रकरण है उससे आए हुए प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस परीक्षा में आए हुए सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है जो कि आपके आने वाले फ्यूचर एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और आपको बेहतर तरीके से आपको बिल्कुल डाउट क्लियर करते हुए क्लियर किया हुआ है। मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को कीजिए अभी सब्सक्राइब क्योंकि बेहतर वीडियो और सिलेक्टेड वीडियो आपको मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन वैसे दबाएं। और जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है, वो भी एक बार देख लें बेल आइकन प्रेस है कि नहीं, क्योंकि जब भी हम महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकन वैसे दबाएँ। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं आपका प्रथम प्रश्न है कि संधि का अर्थ बताते हुए संधि के मुख्य भेद लिखिए। तो सबसे पहले तो बात यहाँ पर यह बनती है कि भाई संधि क्या होती है। तो देखिए संधि का अर्थ होता है यहाँ पर वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल से या दो वर्णों के योग से संधि आपकी निर्मित होती है। अगर यहीं से पूछा जाए कि संधि की उत्पत्ति हुई है तो संधि जो है सम धा प्लस के से मिलकर बनी हुई है, उत्पत्ति यहाँ से हुई है उसकी। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि कहाँ से उत्पत्ति हुई है। और संधि का अर्थ होता है मित्रों दो वर्गों के योग से, जब दो वर्ग परस्पर समीप आते हैं तो एक नया वर्ग बनता है, नया वर्ग बनता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा कि जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट रहने वाले प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समझ आ गया, यानी संधि जब दो वर्णों के योग से एक नया वर्ण बनेगा, आप इतना याद रखिए, दो वर्णों के योग से एक नया वर्ण बनेगा वो आपका संधि कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे विद्याधन आलय, विद्या और आलय दोनों को वर्णों को मिलने से आपका विद्यालय बना है। घा और आ यानी अंत में क्या है, घा में आ है तथा आलय में भी आ है, आ और आ मिलकर के आपका दीर्घ आ बना है इसी तरह। और यहीं से अगर प्रश्न बनेगा कि भाई संधि के भेद बताइए तो संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं जिसमें प्रथम आपका स्वर संधि होता है, द्वितीय व्यंजन संधि होता है, तृतीय विसर्ग संधि होता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में आपसे पूछा जाएगा कि संधि के भेद बताइए तो आपको बताने मुख्य रूप से नेक्स्ट प्रश्न आपका स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो देखिए जैसे कि नाम से पता लग रहा है आपको स्वर संधि यानी स्वरों, स्वर प्लस स्वर, जैसे स्वर प्लस स्वर, ये याद रखिए आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, स्वर प्लस स्वर यानी स्वरों के मिलने से जब दो स्वर एक नया स्वर वर्ण बनाएंगे तो उनके मिलने से या दो स्वर वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण बनता है तब हम उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर प्लस स्वर याद रखिए, बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका जब एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्वर प्लस स्वर यानी दो स्वरों के मिलने से जो संधि बनती है वो स्वर संधि होती है। जैसे विद्या धन आलय, ध्या में क्या है, आ है दीर्घ आ, और आ में भी आ है, आ दोनों क्या है, दोनों ही स्वर हैं और स्वर के मिलने से दीर्घ आ ही बनेगा। और इस तरह जाकर के आपका विद्यालय हुआ है। ठीक है, तो स्वरों के मिलने से या स्वरों के मेल से या दो स्वरों के मेल से जो संधि निर्मित होती है वह आपकी स्वर संधि कहलाती है। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भाई स्वर संधि के भेद होते हैं तो आपको याद रखना है कि स्वर संधि के मुख्यतः आठ भेद होते हैं जिसमें हमारा प्रथम होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूपम संधि, प्राकृतिक भाव संधि। ये हमारे स्वर संधि की आठ भेद होती हैं और एक एक को करके आठों को हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, कोई भी संधि आपसे प्रश्न में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीर्घ संधि की परिभाषा दीजिए एवं अक प्रत्याहार से संबंधित उदाहरण दीजिए। तो देखिए प्रत्याहार संबंधी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप बेहतर तरीके से नोट्स वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो दीर्घ संधि की परिभाषा दीजिए या दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए, यह भी पूछा जा सकता है। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो अक सवर्ण दीर्घ होता है यानी अक प्लस अक, इसको याद रखिए फॉर्मूले से अक प्लस अक। अक एक प्रत्याहार होता है जिसमें प्रथम यानी अयोरिलिक, अयोड़ और रिलिक से मिलकर के अक प्रत्याहार बना होता है। अक में प्रथम पाँच अक्षर आते हैं, ठीक है, और अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे मूल स्वर आते हैं और जिन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो अयोरिलिक पाँच स्वर आते हैं तो अक प्लस अक, अक प्लस अक के मिलने से आपकी दीर्घ संधि होती है, ये बस याद रखिए फॉर्मूले के थ्रू।
तो अक प्रत्याहार यानी अ ई उ ऋ ले तथा या ह्रस्व या दीर्घ वर्णों के बाद सवर्ण आने पर, सवर्ण का मतलब होता है यानी अ ई उ ऋ ली के बाद ऐसे ही दीर्घ आएँ या ह्रस्व आएँ, ठीक है, तो उनके पश्चात जो दीर्घ वर्ण हो जाएंगे जैसे धर्मार्थी होता है, इसका धर्मार्थी होगा, इसमें माँ में आ है, आ छपा हुआ है क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन की आधी मात्रा होती है, बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन उच्चारित नहीं होते हैं, और आ प्लस आ क्या बन गया, देखो आपस में दोनों सवर्ण हैं, सवर्ण का मतलब दोनों समान वर्ण होने चाहिए, ठीक है, या दीर्घ वर्ण भी हो सकते हैं, तो धर्मार्थी बन गया। इसी तरह धर्म आत्मा में भी देखो यहाँ आ है, यहाँ पर धर्म में आ है और यहाँ पर दीर्घ आ है, तब भी देखो दीर्घ आ बना है, तो क्या होना चाहिए, या तो ह्रस्व आए या दीर्घ आए, कोई भी वर्ण आए आपका तो वर्ण जो आए हो जाएगा वो दीर्घ वर्ण हो जाता है, यही आपकी अक सवर्णे दीर्घ सूत्र कहता है कि अक और अक आने से वो जब सवर्ण हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि गुण संधि किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए या उदाहरण सहित लिखिए या गुण संधि का सूत्र लिखिए, तो यहाँ पर जो सूत्र रहता है वो गुण संधि का है, आद गुण है, आद गुण है, इसका अर्थ होता है आत, आत प्लस अच, आत प्लस अच इजिकल टू गुण, ये याद रखिए, आत प्लस अच इजिकल टू गुण, ये इतना आपको याद रखना है, ये सूत्र होता है, ठीक है। और यहीं पर एक और सूत्र पूछा जाता है अदेन गुण, ये आपका गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है, मिस्टेक नहीं करनी आपको, जो भी मिस्टेक हुई वो यहाँ क्लियर हो जाएगी, आद गुण आपका गुण संधि सूत्र होता है जबकि अधीन गुण आपका गुण संधि सूत्र होता है। तो ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद यानी ह्रस्व आए हो या दीर्घ आ हो, अगर आ के बाद ओ ई उ ऋ ली के ह्रस्व या दीर्घ स्वर होने पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है, ये आपको याद रखना है, आपका ह्रस्व हो या दीर्घ हो अगर आ के बाद आते हैं तो ई उ ऋ ली आते हैं तो उनका जो दीर्घ स्वर होने पर ये ए ओ अर में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जैसे सुर धन इंद्र रा में आ है और ई है, आई मिलकर के ए बन गया, इसी तरह हो गया सुरेंद्र, ठीक है, महा में आ है दीर्घ आ और ई में ए है, ई है, दोनों मिलकर के महेश हो गया, तो इस तरह ये निर्मित हो जाते नहीं, ए ओ अर में गुण का आपको याद रखिए, ए ओ अर अल इसे मोस्टली याद रखिए। नेक्स्ट आपका ई को ऋ एच किसका सूत्र है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो देखिए ये तब प्रश्न में सूत्र देकर के आपको पूछा जाएगा कि भाई ये सूत्र किसका है, अदरवाइज आपसे संधि पूछी जाएगी, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, इन सभी का सूत्र क्या होगा, तो कैसे भी पूछा जाए, तो ई को यड़ ची के यड़ संधि का सूत्र होता है, किस संधि का होता है, यड़ संधि का सूत्र होता है, ई को यड़ ची यानी एक प्रतिहार के अंतर्गत, एक ई को यड़ ची का मतलब होता है एक अच यानी एक प्रतिहार के अंतर्गत, ई ओ रिले के परे यदि कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर यड़ प्रतिहार या वरला हो जाता है, क्या हो जाता है, या वरला हो जाता है, ये आपको याद रखना है, जैसे यदि धन अपे, तो देखिए दा में आ है, ठीक है, और आ है, तो ये दो करके क्या हो जाएगा, धा बन जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रति एकम, प्रति और एकम मिलकर के आप प्रत्येकम यह हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ई को यड़ची ये चार, एक प्रतिहार, एक प्रतिहार के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है भाई, यानी ई उरेले से कोई परे यानी इसके अलावा कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर यण प्रत्यय यानी य वरल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वृद्धि संधि के सूत्र एवं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या सूत्र दिया जाएगा कि वृद्धि संधि का सूत्र लिखिए, तो वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रची जो कि वृद्धि संधि का सूत्र होता है, आपको याद रखना है, वृद्धि प्लस एच यानी वृद्धि प्लस एच ही अर्थात आ या आ के बाद एच प्रत्याहार आए, यानी आ या आ के बाद एच प्रत्याहार आए तो वो ए आई ओ औ आता है तो वृद्धि हो जाता है, क्या हो जाता है, वो वृद्धि हो जाता है, ठीक है। जैसे एक धन एक है, तो देखिए इसमें भी क्या है, का में आ है और ये ए है, दोनों मिलकर के वृद्धि हो जाएंगी, ए ही बना देंगे, ए की दो मात्रा होती है इसलिए एकैक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एकैक बन जाएगा। इसी तरह आपका उष्ण ओधनम हो जाएगा, उष्ण ना में क्या है, आ है और ओ मिल करके ना और आ और ओ मिल करके औ बन जाएगा, उष्णोधनम हो जाएगा। इसी तरह सदा धन एव है, सदा दा में क्या है, आ है और ए है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा, इसी तरह सदैव बन जाएगा। इसी तरह तथैव है, ममैव है आदि ये बन जाएंगे। नेक्स्ट है भाई कि अयादि संधि को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए, तो अयादि संधि को आपको याद रखना है कि जब एच प्रत्याहार के वर्ण, जब एच प्रत्याहार के वर्ण ए ओ ए औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय अब आय हो और आव हो जाता है, यानी एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ए के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो आय हो जाएगा, अब हो जाएगा, आय हो जाएगा और आव हो जाता है। जैसे ने अनम, ने एक में ए क्या है,
एस है, ए के पास आ रहा है तो अय बन जाएगा, अय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नयनम हो जाएगा। यानी पहले के साथ अय होगा, दूसरे के साथ अव होगा, ए आ गई तो आय होगा और ओ औ आगा तो आव होगा, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। से के साथ अनम हो जाएगा तो सयनम हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट बनेंगे आपके, नेक्स्ट प्रश्न बनेगा भाई कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है या व्यंजन संधि के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए व्यंजन का अर्थ होता है स्वर प्लस व्यंजन, मिलकर के व्यंजन संधि बनती है। और इसके अलावा भी व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन भी मिलकर के व्यंजन संधि का निर्मित करते हैं। बस ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिए, व्यंजन संधि आपको पूरी याद हो जाएगी। यानी जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो उनके योग से व्यंजन संधि बनती है। क्या बनती है कि जब कोई व्यंजन वर्ण हो उनके बाद अगर कोई स्वर आता है या व्यंजन आए, दोनों में से कोई आ जाए, स्वर आए या व्यंजन आए, ठीक है, तो जो ये उनके योग से जो बनेगा वो व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि के अगर भेद पूछे जाते हैं तो व्यंजन संधि के प्रमुख छह भेद होते हैं जो आपको बताने हैं, जिनमें स्तुत्व आता है, स्तुत्व आता है, जस्त्व आता है, चत्व आता है, अनुस्वार आता है, अनुनासिक संधि, ये सभी व्यंजन संधि के भेद होते हैं। जब भी पूछे जाएंगे तो या तो दो पूछे जाएंगे या तो सभी पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखने होंगे सभी, और एक एक क्लियर करते आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका भाई स्तुत्व संधि का सूत्र बताते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। तो स्तुत्व का अर्थ होता है भाई स्तोष्णाश्चु, ये सूत्र होता है इसका, इस्तो इस्तुनाश्चु, ये सूत्र होता है। यानी इस्तो अर्थात होता है स तथा तवर्ग, सकार का मतलब होता है संस्कृत में सवर्ण से होता है, तवर का मतलब होता है तावर, यानी स और तावर के तथा धन तक आएंगे को इस्तुना अर्थात सकार, इस्तुना का करते हो क्या वह सकार, सकार का मतलब होगा सलजम वाला सा, तथा चवर्ग तो स च स चवर्ग का चछा जहाँ तक आएंगे का सात प्रयोग होने पर इस्चु अर्थात यानी स सकार और चवर्ग सच अच्छा जहाँ यह हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस्तो स्नाशु यानी इस्तो का जो हो जाएगा कोई आ जाएगा स्नाशु हो जाएगा, यानी सच अच्छा जी एमसी में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हरिश सेते तो क्या हो जाएगा हरिश सेते, सलजम वाले में चेंज हो जाएगा, ये देखो सा का किसमें चेंज हो गया सलजम वाले में। रामस चिनौती तो रामस चिनौती सलजम वाले में, सड़क वाला सा किसमें चेंज हो जाएगा सलजम वाले में, ये क्या कहता है हमारा इस्तो स्नाशु सूत्र कहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्यंजन संधि का इष्टत्व सूत्र होता है या इष्टत्व संधि किसे कहते हैं, तो इष्टत्व संधि का जो सूत्र होता है उसे भी पूछा जा सकता है। तो इष्टोष्णाष्टु सूत्र होता है, इष्टोष्णाष्टु सूत्र होता है, यानी स तथा तवर्ग के बाद यदि इष्टुना अर्थात स तथा ट वर्ग आने पर स ट वर्ग को हो जाता है, यानी स तो तथा ट वर्ग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। स प्लस त इजिकल टू स या ट वर्ग या स प्लस ट वर्ग ये हो जाता है। जैसे रामस अष्टः तो रामष्टः हो जाएगा, इसी रामस टीकते तो रामस टीकते हो जाएगा, रामस टीकते को अगर एक साथ लिखेंगे तो रामस टीकते किसमें षटकोण वाले सा में ये चेंज हो जाता है, यही हमारा इष्टत्व संधि का जो इष्टोष्णाष्टु सूत्र होता है कहता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न जस्त्व संधि कितने प्रकार की होती है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या जस्त्व संधि का सूत्र पूछा जा सकता है। तो जस्त्व संधि जो होती है ये थोड़ी अलग होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक पदांत एक जस्त्व, जस्त्व पदांत होती है एक अपदांत जस्त्व होती है, ठीक है। तो पदांत का अर्थ क्या होता है, तो जब वर्ग के प्रथम चार वर्ण बाद के कोई स्वर वर्गों या तृतीय चतुर्वर्ण या यर अलव या यवर अलव में से कोई आए तो पूर्व के वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता है। यानी या प्रथम के चार वर्ग हैं यानी कि उनके पश्चात अगर कोई तृतीय चतुर्वर्ग या यवरल आता है तो उसी वर्ग का, जैसे कावर का है तो कावर का ही क्या हो जाएगा तृतीय वर्ग हो जाएगा, ये याद रखना। अगर चावर है तो चावर का ही तृतीय वर्ग होगा, तावर है तो तावर का ही तृतीय वर्ग होगा। जैसे वाक धन दानम तो वाक दानम हो जाएगा, तो देखो इतनी दर का तृतीय वर्ण हो गया है। अच अंत है तो अजंत हो जाएगा, जगत धन ईश है तो जगदीश हो जाएगा, वाक धन ईश है तो वागीश हो जाएगा, जैसे दिग धन गज है तो दिग्गज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, उसी वर्ग का तृतीय वर्ग में ये चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है अपदांत जस्तो क्या कहता है भाई, झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद, किस झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि जस प्रत्याहार वर्गों के तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण हो तो जस प्रत्याहार वर्ग के तृतीय वर्ग हो जाते हैं। जस प्रत्याहार के जस में से किस में चेंज हो जाता है, जस में, ठीक। जैसे सो द धी हो तो शुद्धि हो जाएगा, जैसे आरंभ द तो आरंभ द हो जाएगा, जैसे लब धम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई लब धम की संधि विच्छेद है और कौन सी होती है, तो ये आपको बतानी है, जस्व संधि होती है लब धम, तो लब धम हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मोनस्वार
किस संधि का सूत्र है, इसका अर्थ बताते हुए उदाहरण दीजिए। तो देखिए, मौन स्वर या तो सूत्र पूछा जा सकता है या कोई भी सूत्र का अर्थ पूछा जा सकता है। कैसे भी प्रश्न बने, प्रश्न बनेगा यहीं से आएगा जो भी हो। या अनुस्वार संधि का सूत्र देते हुए उदाहरण देकर समझाइए। तो आप तो समझ गए होंगे, जो मौन स्वर सूत्र होता है वो अनुस्वार संधि का होता है, यानी अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मौन स्वर सह। किसी पद के अंत में म आने पर उसके पश्चात कोई ऊष्म व्यंजन वर्ण आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यानी कोई भी माँ के बाद अगर व्यंजन वर्ण आता है अंत में तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, और माँ के पहले वर्ण पर ही अनुस्वार लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है। जैसे नगर में अंत में माँ है और गत है, ठीक है। तो देखिए, माँ में पहले वर्ण पर यानी नगरंग क्या हो जाएगा, नगरंग गत हो जाएगा। जैसे त्वम चालीस है तो त्वम चालीस हो जाएगा ये, ठीक है। हरिवंदे तो हरिवंदे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरिवंदे। जैसे अहम गच्छामी तो अहम गच्छामी हो जाएगा, यानी उसके माँ वर्ण के पहले वर्ण पर ही अनुसार लगाया जाता है। ये याद रखना, माँ के बाद उसके पश्चात अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आए, ठीक है, कोई भी व्यंजन वर्ण, ये सभी ग च छ व क्या है, व्यंजन वर्ण है जो कि माँ के बाद आ रहे हैं, तो माँ के पहले का जो वर्ण है, जैसे माँ के पहले का रा है, माँ के पहले का वा है, माँ के पहले का गा है तो गा पर दे, ठीक है, रा हो गया, तो यहाँ माँ के पहले का है तो क्या हो जाएगा, अहम, उसी पर अनुस्वार लगाया जाता है। ये याद रखें विशेष इसमें मनुस्वार में सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कई बार एग्जाम में आने की संभावना होती है इसकी। तो विसर्ग के साथ किसी भी स्वर या व्यंजन के मिलने पर उसमें जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि में विसर्ग से पूर्व तथा विसर्ग के बाद को वर्णों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे नमाते, नमाते का अर्थ होगा भाई नमस्ते, ठीक है। विसर्ग जो होता है सामेत चेंज हो जाएगा। जैसे धनुष टंकार है तो धनुष टंकार हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, जो हमारी संस्कृत की आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो निशंक हो चुकर अपने परिवार को ज्वाइन करें, क्योंकि फ्यूचर में भी आपके लिए बेहतर और सेलेक्टेड वीडियो मिलती रहेंगी। यूपी डेल है तो आपका चल ही रहा है, और यूपी टेट के लिए यूपी टेट महासंग्राम आपके चैनल पर परिवार पर चल ही रहा है, और ऐसी ही कोई भी शिक्षक बनती है जैसे यूपी टेट, सुपर टेट आदि आती हैं तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी भविष्य में भी, क्योंकि हमारा तो एक ही सपना है, हर घर में हो शिक्षक अपना। नमस्कार मित्रों।